हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस वेज चीज़ बॉम्ब की रेसिपी लेकर आई हूँ, या फिर आप इसको वेज चीज़ बॉल्स भी कह सकते हैं। यदि आपको पिज्ज़ा बर्गर खाना पसंद है तो यकीन मानिए ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, और इसे आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ओवन में भी और तवे पर भी। और आज मैं आपके साथ दोनों तरीके शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेज चीज़ बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया है। वेट में देखा जाए तो 200 ग्राम के लगभग मैदा है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, और नमक को हम मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 चम्मच के लगभग में दही, और दही हमें हल्की सी खट्टी इस्तेमाल करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच के लगभग में बेकिंग सोडा। तो बड़ी चम्मच से मैंने दही डाला है और छोटी चम्मच से मैंने बेकिंग सोडा डाला, यानी कि मीठा सोडा। और सोडा को हम दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच के लगभग में कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल हमें बिना फ्लेवर के लेना है। और अब हम दही और ऑयल को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पर मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दही और ऑयल को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हल्का गुनगुना दूध डालेंगे, और इसका हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करना है। और दूध हल्का गुनगुना लेंगे ताकि आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगकर तैयार हो। जैसे हम नान के लिए आटा लगाते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ भी डो बनाना है हमें। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार किया है। मैदा थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है, तो इसमें हम 1-2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, और इसके बाद आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे। और यदि आप मैदे की जगह गेहूं के आटा इस्तेमाल करिएगा तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट आटा मत लगाइएगा जैसे रोटी का आटा हम रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह का रखिएगा। मैदा स्ट्रेस होता है, बाद में सिकुड़ता है, इसीलिए इसका आटा सॉफ्ट लगाना होता है। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हम डो को 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। जब तक डो हमारा सेट हुआ, इतने में हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसको मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है। और 1 छोटे साइज़ का शिमला मिर्च है। सारी सब्जियों को मैंने क्यूब शेप में कट किया है, और इसमें हम ऐड कर देंगे 100 ग्राम के लगभग पनीर छोटे क्यूब शेप में कटा हुआ, 2-3 कटी हुई हरी मिर्ची, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे पिज्ज़ा पास्ता सीजनिंग, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 2-3 चम्मच के लगभग में बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। और अब मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम के लगभग में कद्दूकस किया हुआ मोजरेला चीज़। आप यहाँ पर कोई सा भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चीज़ की जगह मेयोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जियाँ भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा यूज कर सकते हैं, जैसे बीन्स हो गया, स्वीट कॉर्न, जो आपको पसंद हो ये डाल सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस दिख रही है हमारी यह स्टफिंग, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये वेज बॉल बनकर तैयार होते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। इसको अभी हम साइड में रखते हैं और डो को चेक कर लेते हैं। डो को भी रखे हुए करीब 10 मिनट हो गए हैं। तो थोड़ा सा अपने हाथ में हम ऑयल लगा लेंगे, और इसके बाद हम इसको 1-2 बार करके फिर से मिला लेंगे अच्छे से। और आप देख सकते हैं डो हमारा कितना ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है, बिल्कुल लाइट वेट का फील हो रहा है रोई की तरह। तो अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे, और इसके बाद आटे को फिर से हम मिलाएंगे 1-2 बार करके इस तरह से। और अब हम इसमें से लोइयां निकालेंगे। तो इसकी लोइयां हमें बहुत बड़ी बड़ी नहीं निकालना है, जैसे पूरी की लोइयां होती हैं बिल्कुल उसी तरह की निकाल लेंगे, छोटी छोटी, ये देखिए। और इक्वल साइज में हम सारी लोइयों को इस तरह से कट कर लेंगे, और एक एक लोई हम उठाते जाएंगे, और उसको अपने हाथों से अच्छे से चिकना कर लीजिए इस तरह से। और थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर इसे हमें बेलना है, और इसे हमें पूरी के साइज़ का ही बेलना है। बहुत ज़्यादा ना तो पतला रखना है, और नहीं बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, जैसे पूरी होती है बिल्कुल उसी तरह की रखना है। तो बेलते टाइम जब ये चिपकने लगे तो थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लीजिए, और इसको हमें अच्छे से बेल कर तैयार कर लेना है। और ये देखिए मैंने इसको पूरी के साइज़ का बेल कर तैयार कर लिया है। मैं इसकी थिकनेस दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल पूरी की तरह ही है। और अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। तो स्टफिंग हमें 3 से 4 चम्मच अच्छे से रखना है। जितना ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे हमारी ये वेज बॉम्ब उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और इसके बाद हम इसको जैसे मोमोज को फोल्ड करते हैं उसी तरीके से इस तरह से प्लेटिंग करते हुए इसको मोड़ लेना है, या फिर आप चाहे तो इसके किनारों में पानी लगा सकते हैं। लेकिन आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है तो पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अच्छे से ये चिपक जाएगा। और चारों तरफ से इकट्ठा करने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा बच जाएगा उसको निकाल दीजिए, और चारों तरफ से इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए। और ये देखिए एक वेज बॉम्ब बनकर तैयार है। बाकी के सारे वेज बॉम्ब हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने टोटल 8 वेज बॉम्ब बनाकर तैयार किया है, जिसे मैं 6 बेक करने वाली हूँ और 2 मैं तवे पर बनाकर दिखाऊंगी।
तो यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग ट्रे और इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। और ये नॉन स्टिकी बटर पेपर है इसलिए मैं इसको ग्रीस नहीं कर रही हूँ। यदि आप नॉर्मल बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर दीजिए। और इसके बाद सारे वेज वॉर्म को हम इस तरीके से सेट कर देंगे बेकिंग ट्रे के ऊपर। इसके बाद हम इसे दूध से ग्रीस कर लेंगे ताकि बेक होने के बाद इसका बहुत ही बढ़िया कलर आए। और इसके ऊपर मैं तिल चिपकाने वाली हूँ तो तिल भी अच्छे से सेट हो जाएगा दूध से ग्रीस करने के बाद। और अब हमें इसके ऊपर इस तरह से तिल छिड़क देना है ताकि ये देखने में सुंदर लगे। और इसके बाद हम इसे ओवन या ओटीजी में 200 डिग्री टेम्परेचर पर 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो मैं इसको ओटीजी में बेक करने वाली हूँ। तो ओटीजी को मैंने पहले से प्रीहीट करके रखा है और ओटीजी को मैंने 200 डिग्री टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट किया है। तो ट्रे को हम सावधानी से ओटीजी में डाल देंगे और इसके बाद रॉड दोनों ऑन रहेगा। कन्वेक्शन फैन को भी हमें ऑन रखना है और 15 मिनट के लिए टाइमर सेट कर देंगे। तो जब तक ये बॉम हमारे बेक हो रहे हैं इतने में हम तवे पर फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन गरम किया है। इसी को हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, बस हल्का सा इस तरह से ब्रश कर लेना है। और फ्लेम को हमें लो रखना है। तो पैन से ग्रीस करने के बाद इसमें हम वेज बॉम ऐड कर देंगे इस तरह से। और इसको हल्का सा फ्लैट कर लीजिएगा यदि आप तवे पर इसको फ्राई कर रहे हैं तो, ताकि ईजिली अच्छे से कुक हो जाए। और इसके बाद हम इसके ऊपर हल्का सा दूध से ग्रीस कर लेंगे जैसे हमने पहले दूध से ग्रीस किया था। और थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसके ऊपर इस तरह से, हल्का सा हाथ से इस तरह से प्रेस कर दीजिए ताकि ये सेट हो जाए। और साइड में इसके हम पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा छीटा लगाना है। और तुरंत इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको हम करीब 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। तो करीब 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन ओपन करके इसके साइड को हम चेंज कर देते हैं। जब हम पैन में पानी डालकर ढक्कन बंद करते हैं तो हल्का सा एयर बना लेता है, यानी कि गैस बना लेता है, उसी से स्टीम होकर कुक हो जाता है। आप देख सकते हैं देखने में बिल्कुल शाइनी लग रहा है। और ये देखिए एक तरफ से हल्का सा कुक हो गया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो इसको पलटने के बाद दोबारा से हम ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। तो करीब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, फिर से हम इसका ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए दूसरे तरफ से ही बहुत ही बढ़िया से कुक हो चुका है। तो अब बारी आती है साइड से पकाने की। तो साइड से पकाने के लिए इस तरह से आप इसको खड़ा कर दीजिए, इसलिए खड़ा हो जाएगा क्योंकि हमने इसे मोटा मोटा बनाया है। तो इसको इस तरह से खड़ा करके इसके किनारों को इस तरह से घुमाते हुए पका लीजिए अच्छे से, ताकि ये कहीं से भी कच्चा ना रहे। और अब देख सकते हैं ये चारों तरफ से अच्छे से कुक हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो इसको अभी हम निकाल लेते हैं। और अब देख सकते हैं देखने में ये वेज बॉम कितने सुंदर दिख रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो ओटीजी में बेक करते हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया कलर आया है, बहुत ही अच्छे से बेक हो गए हैं सारे वेज बॉम। तो हम ओटीजी को ओपन करेंगे और सावधानी से इसे हम बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है। तो वेज बॉम को ओटीजी से निकालने के तुरंत बाद हम इसके ऊपर बटर लगा देंगे अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड्स, इस रेसिपी से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये वेज बॉम बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, बिल्कुल फूले फूल बनकर तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यदि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।